इस टाइम सभी बच्चों के 100 में से 100 आए हैं। लगता है सभी लोग बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे। कीप इट अप बच्चों। थैंक यू सर। इस टाइम हम हमारे मम्मी पापा को तो नहीं लेकिन पूरे देश का नाम तो रोशन कर ही देंगे। अब इस ऑनलाइन एग्जाम में हमारे देश में कोई फेल होगा ही नहीं। वैसे भी पिछले टाइम ऑनलाइन एग्जाम दे के पास तो हो ही गए थे और इस टाइम तो चीटिंग करने की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो चुकी है। तो पास क्या, टॉप करेंगे टॉप। कोरोना वायरस खत्म होने से स्कूल खुलने लगी है और बोर्ड एग्जाम होगी 2 बार। एक बार एग्जाम देने जाते 2 बार? अरे क्या खाकर अनाउंसमेंट की है। पढ़ाई शुरू करनी होगी, पूरा सिलेबस बाकी है। बच्चों अपने स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल में जमा करा देना। वैसे सर अभी तक तो बनाया भी नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें 3 महीने पहले बोल के रखा था। अगर नहीं दिया तो तुम्हारे इंटरनल्स कट। अरे यार ये थोड़ी ना होता, हर बात पे इंटरनल्स की धमकी देते हैं। और एग्जाम के टाइम में ही ये लोग प्रोजेक्ट्स मांगते हैं। अब पढ़ाई करें या एग्जाम दें? 1 वीक बिफोर एग्जाम। बच्चों ध्यान से सुनो, एग्जाम में एडमिट कार्ड लाना मत भूलना और सभी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। वैसे एग्जाम तो स्कूल में ही है मगर तुम लोग चीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि कैमरास ऑन रहेंगे और फ्लाइंग स्क्वाड्स घूमेंगे। हैं फ्लाइंग स्क्वाड्स? यानी कि उड़ने वाला कोई रोबोट? बोलो, दूसरे स्कूल से बस टीचर ही तो आ रही है, उसको भी इतना बड़ा चढ़ा के बोले फ्लाइंग स्क्वाड्स। 2000 years। इतनी बार तो पूरी जिंदगी में किसी आंसर को भी नहीं रिपीट किया हो जितना कि टीचर ने उसी एक इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट किया हो। एडमिट कार्ड लाना वगैरह वगैरह। अब इस इंस्ट्रक्शन से कोई आंसर पूछ लेना तो पक्का 100 में से 100 आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लगता है आप लोग ने अच्छी तरीके से सारे इंस्ट्रक्शन सुने होंगे। कल आप लोग का एग्जाम है। ऑल द बेस्ट। एग्जाम टाइम। सुनना उसको बताना। अरे यार पढ़ने तो दे। हाँ हाँ पढ़ पढ़। वाव मैम कितना अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया है ये टॉप? चोर बाजार में मिल रहा था इसलिए ले लिया फ्री में। और वैसे मैम ये नेल पॉलिश? Last 10 minutes। सुन फर्स्ट का बताना। लिख फर्स्ट का A, सेकंड का उसका भी B। अरे पूरा लाइन से बताना। ये ठीक है। फर्स्ट का B, सेकंड का B, थर्ड का C, फोर्थ का D। वेरी गुड, पूरा लिखा है। लिखो लिखो जल्दी लिखो, फर्स्ट का B, सेकंड का B। इतनी मेहनत से पढ़ के आई, इससे खतरनाक तो स्कूल टेस्ट थे। कोई चीटिंग ही क्या कर ले, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और ये गोले भरने में 15 मिनट चले जाते हैं और 40 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चंस अटेंड करने पड़ते हैं 90 मिनट्स के अंदर। क्या होगा हम मासूमों का। चलो वैसे भी 5वें एग्जाम तो खत्म ही हो गए। मैंने तो सुना है टर्म 2 एग्जाम होगा ही नहीं। अरे वाह, यानी अब आराम ही आराम। इस बार टर्म 2 एग्जाम होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फालतू का आराम दिला दिया था, अब टर्म 2 की तैयारी करनी होगी। गाइस कमेंट में जरूर बताना कि आपकी एग्जाम कैसे जाती है और मैं चलती हूँ टर्म 2 की तैयारी करने। बच्चों टर्म 2 की प्रोजेक्ट्स तैयार रखना।